आज का मोटिवेशन क्या है जान लेते हैं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। बहुत बढ़िया बात। साथियों, हमारी लाइफ में ना ठोकर शब्द का मतलब कई बार, शायद कई बच्चे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो इस लाइन का मतलब ना समझे, ठोकर का मतलब होता है कि जब आप पैर से चल रहे हो कोई चीज ऐसी आ जाए जिस पे आपका पैर उलझ जाए। कई बार आप उस उलझे हुए पैर से गिर जाते हैं, है ना, पत्थर रास्ते में निकला होता है, आपका पैर उलझ गया उसके साथ और आप धाम से नीचे जा पड़े। तो असल में ये ठोकरें लाइफ में बहुत खानी पड़ती हैं यदि आपको वाकई में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जिसमें कि आपकी चलती हुई गति को कोई रोक ना पाए। और साथियों, हमारा चूंकि देश ही इतना विविधताओं से भरा हुआ है, संभावनाओं की अपार संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में संभावनाएं अपॉर्चुनिटी के रूप में थोड़ी कम है, लोग एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में हमें हर एक गलती से सबक लेने की आवश्यकता होती है। और एक बहुत ही सही सटीक शब्द है कि गलतियां आप खुद करके अगर सबक लेने लगे तो भैया जीवन खत्म हो जाएगा, सबक खत्म नहीं होंगे। इसलिए दुनिया में जितने भी सबक लोग आपको देते हैं, आपके बड़े, आपके गुरुजन, आपके परिवारजन, जो भी आपको शिक्षा देते हैं, उसे आत्मसात कर लीजिए, उसे मान लीजिए कि अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से ये गलत होता है तो उसे मान लीजिए, क्योंकि हर बार खुद गलती करेंगे, खुद सीखेंगे तो ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, गलतियां खत्म नहीं होंगी। इसलिए बड़ों की बातें, शिक्षकों की बातें और जिस रास्ते आप चल रहे हैं वहां पर जो पहले से सफल लोग हैं उनकी बातें मान ली जाएं तो हमारा बेहतरी हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे इन दिनों कह रहा हूं कि भाई, माना कि इन दिनों लॉकडाउन है, माना कि परीक्षाओं की डेट का कोई अता पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि जिस दिन परीक्षा की डेट अनाउंस होगी उस दिन आप टॉप कर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये सतत प्रयास है, जिन जिन ने ये गलती करी कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन होते ही पढ़ाई जिन्होंने छोड़ दी, उन्हें सिलेक्शन ने अपने से दूर कर दिया कि बेटा तुम दूर ही रहो, तुम हमारे सगे संबंधी नहीं हो। साथियों, ये बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, लेकिन केवल आपके साथ नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति के साथ है। तो क्यों ना हम ये दृढ़ता धारण कर लें कि समय थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें बहुत संभल के चलना है। और संभल के चलते समय अगर हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भैया अभी अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत देना, भले ही कोई भी एग्जाम की डेट आगे पीछे क्यों ना हो रही हो, क्योंकि ये एकदम ऑड सिचुएशन है, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। यूपीएससी तक अभी आजकल में बैठक होने वाली है, वो प्रीलिम्स की डेट्स को लेकर के वापस से सोचने वाली है कि क्या 27 जून को एग्जाम वो ले पाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, इनकेस अगर यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन कर भी देती है तो भी परेशान नहीं होना है। रीजन ये है क्योंकि एग्जामिनेशन एक सतत प्रोसेस है, ये चलते रहने वाला है, आपको ठंडा नहीं पड़ना है ना। और यह अनुभव बहुत सारे लोगों का है जिन्होंने रास्ते में हथियार डाल दिए, फिर रास्ता उनका साथी नहीं रहा। तो चलिए